दोस्तों नई वीडियो में आप लोग फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पगमार्क। दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर कितने तरीके की उसमें सफारीज कराई जाती है, उसके अंदर कितने जोन हैं, या ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट है, या उस वेबसाइट के अंदर हम उसको बुकिंग कराने का प्रोसेस क्या है और सफारीज के चार्जेस वगैरह क्या है, तो आज मैं इन्हीं टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारे सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इनकेस अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल बेल आइकन बन के आएगा उसको भी आप लोग प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ये देखिए ये मैप है, ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये सबसे मेन मैप है। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सेंटर में और डिकाला जोन में मैक्सिमम जगह आप लोगों को ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस मैप के थ्रू मैं आप लोगों को अभी एक छोटे से एनिमेशन से बताऊंगा कि जितने भी जोन है कॉर्बेट नेशनल पार्क के वो किस किस जगह पे लोकेटेड हैं, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगा कि वो उसकी रोड डिस्टेंस रामनगर सिटी से और कोटद्वार से कितनी है और किस रूट पे कौन कौन से जोन्स आते हैं। दोस्तों ये देखिए पॉपअप होगा, ये है रामनगर सिटी, ये है बिजरानी रेंज, ये है गर्जिया, ये है ढिकाला, दुर्गा देवी, ढेला, झिरना, सीतावनी, पखोरा, वतन सवा सोना नदी के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रोड एनिमेशन और किस किस रूट पे कौन कौन से जोन्स आते हैं और उनके गेट के नाम क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है रामनगर सिटी जहाँ पे आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का इन्फॉर्मेशन सेंटर है, यहीं से आपका जिप्सी और कैंटर के पिकअप पॉइंट है, यहाँ से आप सफारी स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले जा रहे हैं ढिकोली वाली रेंज में, मतलब ढिकोली वाली रोड पे, और इस रूट पे सबसे ज़्यादा जोन्स हैं और सबके नाम मैं आपको बताता हूँ गेट के थ्रू। तो यहाँ से आप जब अपनी सफारी स्टार्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद आपका जस्ट पड़ता है आमडंडा गेट। आमडंडा गेट जो है वो बिजरानी जोन का गेट का नाम है, और बिजरानी जोन जो है ये आपका कोर जोन में आता है। अब इसकी ये आप लोग फोटोग्राफ्स के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि इनका विजिटिंग सीजन जो होता है वो 15 अक्टूबर से 30 जून तक का होता है। इसकी डिस्टेंस जो है रामनगर मेन सिटी से 1 किलोमीटर है, और यहाँ पे सफारी के ऑप्शंस केवल यहाँ जिप्सी चलती है, यहाँ कैंटर नहीं चलती, ठीक है। और ये सबसे नज़दीक है इसलिए इसके चार्जेस जिप्सी चार्जेस जो होते हैं थोड़े से कम होते हैं बाकी आप लोगों के जोन्स के कंपैरिजन में, ये मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे ट्रेवल किए लगभग 9 किलोमीटर रामनगर सिटी से, तो ये पहुंचे हम गर्जिया गेट पे। गर्जिया गेट जो है वो गर्जिया जोन का गेट है, ये बफर जोन है, और इसकी जो विजिटिंग सीजन्स हैं वो 15 अक्टूबर से 30 जून है। इसका डिस्टेंस है रामनगर से 9 किलोमीटर, यहाँ पे भी केवल जिप्सी चलती है, कैंटर नहीं चलती। फिर हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, लगभग रामनगर सिटी से आप 18 किलोमीटर जब टोटल ट्रेवल कर लोगे तो ये पहुंचेगा धनगढ़ी गेट। 18 किलोमीटर्स पड़ता है आपका रामनगर सिटी से, ये सबसे मेन जोन है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का। यहाँ पे तीनों ऑप्शंस होते थे पहले, जिप्सी, कैंटर और एलिफेंट सफारी। एलिफेंट सफारी अब यहाँ बैन कर दी गई है, अब यहाँ केवल जिप्सी और कैंटर है। जिप्सी सफारी यहाँ पे उन्हीं को मिलती है जो नाइट स्टे का परमिट लेते हैं, और कैंटर सफारी उनके लिए होती है जो यहाँ डे और इवनिंग में सफारी करते हैं। यहाँ डे और इवनिंग के लिए दूसरे जोन्स की तरह यहाँ पे जिप्सी सफारी नहीं कराई जाती है, राइट। तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ये इसका जो विजिटिंग सीजन्स होता है ये 15 नवंबर से 15 जून तक ओपन रहता है, 18 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर से, और इसका नाम है धनगढ़ी गेट, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, धनगढ़ी गेट से अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पहुँचेंगे दुर्गा देवी। दुर्गा देवी सबसे दूर पड़ता है आपका रामनगर सिटी, ये लगभग 36 किलोमीटर है सिटी से, और ये धनगढ़ी गेट के अगला वाला जोन है। अब इसका दुर्गा देवी का गेट का नाम भी दुर्गा देवी ही है, और इनका विजिटिंग सीजन होता है 15 नवंबर से 15 जून, ये भी कोर जोन है, और यहाँ पे भी केवल जिप्सी चलती है, यहाँ कैंटर नहीं चलती, राइट। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। अब रामनगर सिटी से हम गए दूसरी साइड के लिए, तो सबसे पहला जोन जो पड़ा ये पड़ा ढेला गेट, और ढेला गेट जो है वो ढेला जोन का आपका एंट्री गेट है, और ढेला जोन जो है वो बफर जोन है। ये पूरे साल खुला रहता है क्योंकि इस रूट पे आप लोगों को पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और ये लगभग रामनगर सिटी से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पे भी केवल जिप्सी चलती है, कैंटर नहीं चलती। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, लगभग 3 किलोमीटर आगे और जाओगे तो पड़ता है आपका झिरना जोन। झिरना जोन का भी जो गेट का नाम है वो ढेला ही है। ढेला से आप अंदर जाओगे लगभग 3 किलोमीटर तो वहाँ पे आपका पड़ेगा खारा गेट। खारा गेट से आप एंटर करोगे तो आप पहुँचोगे झिरना, ये लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है रामनगर से, और ये कोर जोन है, और यहाँ पे भी केवल जिप्सी चलती है, कैंटर नहीं चलती, राइट। ये वाला आपका जोन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे साइड। ये वाला जो रूट है ये काला ढूंगी और इस तरफ आपका म्यूजियम वगैरह पड़ता है। अब हम इस रूट पे जाते हैं तो हमारा कौन सा गेट पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा पवल गेट, और पवल गेट है आपका सीतावनी जोन का गेट, ठीक है। और ये भी सीतावनी भी एक बफर जोन है, ये भी सारे साल खुला रहता है। इसका डिस्टेंस है लगभग 18 किलोमीटर फ्रॉम रामनगर सिटी, और यहाँ पे भी केवल जिप्सी के ही ऑप्शन है। ठीक है। तो ये सारे जो भी जितने भी जोन्स मैंने बताए ये सारे रामनगर से आप इसको अप्रोच करते हो। अब जो मैं आपको जोन बताने जा रहा हूँ वो सारे कोटद्वार के नज़दीक पड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी जर्नी स्टार्ट होगी कोटद्वार से। अब कोटद्वार से जो सबसे पहला जोन आपका पड़ता है वो होता है पखोरा। जब ये जो पखोरा गेट है ये पखोरा ही जोन का ही गेट है और ये जोन भी बफर है। इसका विजिटिंग सीजन है 1 नवंबर से 15 जून। इसका डिस्टेंस है कोटद्वार से 23 किलोमीटर और यहाँ पे भी केवल जिप्सी चलती है, कैंटर नहीं चलती यहाँ पे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप कोटद्वार से जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और आप लेते हो सोना नदी के लिए, तो इसका रूट देखिए, बीच में सोना नदी रिवर वगैरह पड़ेगी। हल्दपुरा आपका FRH है सोना नदी का और ये है वतनवासा। वतनवासा जो आपका गेट है ये सोना नदी का गेट है और ये लगभग आपका 40 किलोमीटर दूर है कोटद्वार से और ये भी एक बफर जोन है, राइट। और यहाँ पे भी केवल जिप्सी चलती, कैंटर नहीं चलती। अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वेबसाइट पे और वेबसाइट पे आप लोगों को इनके चार्जेस वगैरह बता देता हूँ, जिप्सी और कैंटर के चार्जेस वगैरह बता देता हूँ। तो आपको जाना पड़ेगा www.corbettonline.uk.gov.in, ये इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा। आपको डायरेक्ट मैं टिकट बुकिंग के बारे में बताता हूँ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो डाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप लोग वहाँ जाके इसको क्लियरिफाई से आराम से देख लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलता हूँ कि टिकट कैसे बुक करती है। तो राइट साइड में आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है बुक टिकट्स का। अगर आप नीचे भी जाओगे स्क्रॉल करके तो आप इसी जगह पर आओगे। इसमें देखिए जिप्सी सफारी बुकिंग का ऑप्शन है, कैंटर सफारी बुकिंग का ऑप्शन है, नाइट स्टे का है और अदर अट्रैक्शंस का है। अदर अट्रैक्शंस में अभी केवल इंटरप्रिटेशन सेंटर का है, इसकी और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है। इनकी बुकिंग की मैं आप लोगों को बताता हूँ चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जीप सफारी पे। तो जीप सवारी पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें सबसे पहले जीप के लिए जोन्स वगैरह बता रहे हैं, बिजरानी, ढेला, दुर्गा देवी, गर्जिया, झिरना, पखोरा और सोना नदी। ये सारे जोन हैं जहाँ जहाँ पे आपकी ये जिप्सियाँ जाती हैं, ठीक है। तो आप जैसे मैं ले लेता हूँ, चलिए बिजरानी ले लेता हूँ। अब ये एक जिप्सी जो है वो कितने एडल्ट्स के लिए पॉसिबल है वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक जिप्सी में 6 बंदे वैलिड होते हैं, 6 बंदे तक आप जा सकते हो। तो मैक्सिमम आप 6 और चिल्ड्रेंस कितने आप जा सकते हो 3। और ये जो बच्चे होंगे आपके साथ वो 12 साल से नीचे होने चाहिए, अगर 12 साल से ऊपर होंगे तो वो एडल्ट में काउंट होंगे, राइट। तो अगर बच्चे छोटे हैं और 12 साल से कम है तो आप 3 बच्चे तक मैक्सिमम जा सकते हो और आप एडल्ट्स में 6 एडल्ट्स आप जा सकते हो, राइट। अब आइए हम डेट के लिए चलते हैं। चलिए मैं देखता हूँ दिसंबर 29 के लिए। तो यहाँ पे सारी परमिट ख़त्म है और ये अच्छे जोन है, अच्छे जोन का तो अभी नहीं दिखा रहा होगा। तो मैं चलता हूँ जैसे, तो मैं कोई और देख लेता हूँ, गर्जिया देख लेता हूँ। अब मैं गर्जिया पे देखता हूँ कौन सी डेट के लिए, 4 जनवरी पे देखता हूँ। तो 26 परमिट्स इवनिंग में खाली, 30 परमिट्स आपकी मॉर्निंग में खाली है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे गया तो यहाँ पे देखिए बता रहा था कि बच्चे 12 साल से छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पे आप सबकी इंडिविजुअल आप लोग उनकी एंट्री वगैरह कर दीजिएगा, यहाँ नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे जेंडर डाल दीजिएगा, कंट्री वगैरह इंडिया है या आउटसाइड्स का वो डाल दीजिएगा। आईडी प्रूफ में आपके ये सारे ऑप्शंस आते हैं, आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या स्टूडेंट आईडी कार्ड आप लगाओगे। तो ये डिटेल्स आपको इनमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं आधार कार्ड ले लेता हूँ, यहाँ अपना नाम फिल कर देता हूँ। आपको चार्जेस वगैरह बता देता हूँ मैं, अभी मैं सिंगल भर रहा हूँ तो सारी डिटेल्स है नहीं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं जाके यहाँ पे एडल्ट्स में 1 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 0। अब मैं इसको बुक कराता हूँ, मैं आप लोगों को चार्जेस बता देता हूँ। मैंने अपना यहाँ नाम डाल दिया, जेंडर डाल दिया, हो गया। अब आधार कार्ड मैंने डालने वाला, उनकी डिटेल्स में डाल देता हूँ फटाफट। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पर मैंने अपनी एज डाल दी, यहाँ पर नेक्स्ट पे चले गए। अब देखिए ये जो आपकी जो एक जिप्सी का परमिट है, राइट, उसके परमिट चार्ज आपका 3380 है, ठीक है। और इन दोनों को भी छोड़ देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे केवल एक GST लग रहा है 1.4 प्लस GST, PG चार्ज होता है 55 रुपये। तो आपको टोटल जो परमिट का कॉस्ट है, एक जिप्सी परमिट कॉस्ट है वो है 3435.84, ठीक है। एक जिप्सी का परमिट का आपको फाइनल ये पड़ने वाला है। उसके अलावा आपको क्या पे करना है, गाइड आपके साथ जाएगा वो मस्ट है, 800 रुपीज़ आपको गाइड को देने पड़ेंगे, गेट पर आपको देना होगा उसको पैसे। और जिप्सी की जो एंट्री चार्ज है, व्हीकल चार्ज, वो कितना देना पड़ेगा आपको। अब देखिए बिजरानी का दिखा रहा है 2500 और गर्जिया, ढेला मतलब अदर जोन जितने बचे उनका दिखा रहा है 2800। बिजरानी सबसे नज़दीक है, इस वजह से इसका रेट 300 रुपये कम है बाकी जोन्स के उसके लिए। तो अब आप मान लीजिए इसमें से जो भी आप जोन पसंद वो लेते हो तो 800 रुपीज़ आपको ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आप जोन के हिसाब से आपको ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपके टोटल चार्जेस जो बनने वाले हैं मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक जिप्सी का परमिट कॉस्ट कितना हो गया, 3435.84, ठीक है। इसमें अब हम जाते हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे 800 रुपीज़ फॉर गाइड का। और उसके बाद हम मान के चलते हैं कि जैसे मैंने अदर जोन में ले लिया, जैसे ले लिया गर्जिया तो 2800 उसका जोड़ देते हैं, 2800। तो इसका टोटल अमाउंट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 7035.84, ठीक है। लगभग 7,000 के आसपास आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एक जिप्सी, और वो 7,000 रुपये जो आप पे करोगे उसमें 6 बंदे और 3 छोटे बच्चे जा सकते हैं जिनकी एज 12 साल से कम हो। तो आप लोगों को ये भी एक कन्फ्यूज़न थी कि एक जिप्सी अगर हम बुक कराते हैं उसके चार्जेस कितने होंगे, कितने जा सकते हैं। तो आपको सिंगल परमिट लेनी है, सिंगल परमिट के अंदर आपको 6 बंदे बड़े एडल्ट्स और 3 बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं, एक जिप्सी में इतने लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न आप लोगों की दूर हो गई होगी। अब इसमें इन्होंने जो कैमरा चार्जेस लगाया था वो भी हटा दिया गया है, तो अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल आपको 7,035 रुपये आपको पे करने हैं और आप जिप्सी लेके आप उसमें जा सकते हैं, एक सफारी आपको मिलेगी। अब हम आते हैं इस पर कैंटर पे, प्रीवियस पे जाते हैं। अब हम आते हैं इस पर कैंटर सफारी बुक करें, तो कैंटर सफारी ये हो गई, इसको बुक करते हैं। इसका क्या है हिसाब किताब है, कैंटर बुकिंग के लिए मॉर्निंग और आफ्टरनून में चलती है, जैसे मॉर्निंग हम ले लेते हैं। और ये याद रखिएगा कैंटर केवल आपकी ढेला उसमें जाती है, ढिकाला जोन में, कैंटर और किसी जोन में नहीं जाती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब हम ले लेते हैं किसी भी डेट के लिए, जैसे मैंने ये ले लिया ये, ठीक है। और मॉर्निंग का स्लॉट देखते हैं, तो मॉर्निंग स्लॉट्स 19 तारीख को मॉर्निंग स्लॉट्स सारे खाली हैं, मतलब सारे भरे हुए हैं, कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम किसी और पे देखते हैं, जैसे 6 जनवरी को 5 सीट्स खाली हैं। टोटल एक कैंटर में 16 बंदे जाते हैं, जिसमें ड्राइवर और आपका एक गाइड एक्स्ट्रा होता है, बाकी 16 पैसेंजर्स जा सकते हैं। 5 सीट्स खाली है, मैं आपको बुकिंग करके बता देता हूँ। तो जैसे ये मैंने देखा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप एक बार में टोटल 4 बंदों का एक आईडी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी जैसे मैं अकेला हूं तो एक का आपको चार्ज बताता हूँ, पैक्स मतलब होता है पैसेंजर, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए सीट्स दिखा रहा है, 8 सीट्स इधर, 8 सीट्स इधर। अब आपके लिए जैसे ये खाली है, मान लो मैंने ये ले लिया, आप आराम से अपने हिसाब से पिक कर लीजिएगा। और कैंटर वैसे ओपन होती है, तो ये सारा विंडो का एरिया है और ये उसके बगल का एरिया है, ये बीच का गैलरी है, ये स्टाफ और ये ड्राइवर, ये यहाँ पे आपका गाइड बैठ जाता है। उसके अलावा आपका ये सबसे अच्छी सीट जो होती है फ्रंट की ये वाली होती है, और ये वाली मतलब ये वाले कॉर्नर्स और ये वाले कॉर्नर्स अच्छे होते हैं आराम से बाहर की विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो चलिए मैंने ये 16 नंबर चुन लिया। अब इनकी कॉस्ट आप देखिएगा, एक बंदे की जो कॉस्ट आती है एक पैसेंजर की वो 1500 होती है। सॉलिड वेस्ट का आपका 130 रुपीज़ लगता है और इस पर आपका GST लगा 18%, तो 270। तो एक बंदे का चार्जेस होता है 1900 रुपये, 1900 होता है। अब मान लीजिए आप 2 का बंदों का पे करते हैं, तो 2 बंदों का ले लेते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं जैसे ये दोनों का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये दोनों उठा लिया है, ये दोनों उठा लिया है, साथ की नहीं लिखा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 15, 16 मेरा सेलेक्ट हो गया 2। अब देखिए इसमें कॉस्टिंग ये 1500 का 2 हो गया, तो अभी होगा 3000 रुपये। ये आपका कॉमन है, 130 रुपीज़ आपका सबके साथ फ्री मतलब फिक्स रहेगा। और 3000 पे आपका लगा GST 18% हो गया 540, तो टोटल आपका हो गया 3670। ऐसे ही आप 3 पैसेंजर का देख लीजिए, कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडम, तो देखिए 4500 हो गया, 4500 पे GST हो गया इतना। तो अगर 3 बंदों का आप कराते हो तो 5440 आपका चार्ज लग जाएगा, और 4 बंदों का आप बुकिंग कराते हो तो ये मान लो ऐसी बाई डिफ़ॉल्ट आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने तो ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ। इनका चार्ज हो जाएगा 6000 रुपये, 6000 का हो गया 1080 इसका GST हो गया, और आपका सॉलिड वेस्ट का 130 रुपये, तो हो गया 7210 आपके चार्जेस हो गए कैंटर के। तो इस तरीके से बुकिंग होती है, तो कैंटर की बुकिंग आप यहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। और कैंटर केवल जाती है ढिकाला जोन में, और ढिकाला जोन के अंदर जिप्सी नहीं जाती। तो मॉर्निंग और इवनिंग की जो सफारी होती केवल ढिकाला जोन के अंदर, वो केवल कैंटर से प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वहाँ पर नाइट स्टे लेते हो तो आपको जिप्सी का ऑप्शन मिलता है, और नाइट में कैंटर नहीं जाती, कैंटर केवल डे के लिए होती है, और कैंटर किसी और अदर जोन्स में नहीं जाती, अदर जोन्स में केवल जिप्सी चलती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होगी तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यही सारे चार्जेस हैं, इस तरीके से आप बुकिंग करा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप किसी को जरूरत है अपनी फैमिली फ्रेंड में भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम अभी भी आप लोगों के सामने अगर आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली उसका आंसर दे दूंगा। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बनाई है, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।